उन्नाव मियागंज कोरोना काल के पहले दिन विद्यालय खुलने पर विद्यार्थियों ने खुशी जाहिर की। मियागंज प्रथम में बच्चों का स्वागत फूल मालाओं व तिलक लगाकर किया। सर्वप्रथम विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती रेणु सिंह द्वारा बच्चों को तिलक लगाकर व अन्य स्टाफ द्वारा फूल माला उपहार देकर ताली बजाई और उन्होंने कहा रोज नहाकर व मास्क लगाकर ही विद्यालय आएं और अपने आसपास सफाई रखें। कोरोना के दौरान बच्चों को व्हाट्सएप व फोन के माध्यम से पढ़ाई की जा रही थी। विद्यालय खुलने पर पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी कराई जाएंगी। कक्षा एक की छात्रा शिवानी के अनुसार आज हमारे गुरुजनों द्वारा फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया, गुब्बारों से भरा नजर आया जिससे कि हमारा स्कूल लगे। विद्यालय में आकर बहुत खुशी हुई और हम लोग पूरी साफ सफाई व मास्क का ध्यान रखेंगे और रोज स्कूल आएंगे। कार्यक्रम में प्रमुख राशि कनौजिया, अतीक अहमद, विशाल वर्मा, पवन गुप्ता, संजीव यादव, नीतू वाजपेयी, मुन्नी सुनोत्ता आदि लोग मौजूद रहे। मियागंज से आफताब आलम की खास रिपोर्ट। मैम क्या नाम है आपका? सोनू सिंह। ये कोरोना के दौरान अभी तक स्कूल बंद किए गए थे बच्चों के लिए, आज प्रथम दिन स्कूल खुला है तो किस तरीके से स्वागत किया गया है? सबसे पहले हम लोगों ने स्कूल को गुब्बारों और झंडियों से सजाया, बच्चों का टीका किया, बच्चों को गिफ्ट बिस्किट टॉफी और पेन दे के बच्चों का स्वागत किया और साथ में एक गतिविधियां भी कराई कि बच्चे इतने एक साल से घर में बैठे हुए हैं तो उन लोग का इस समय माइंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनका प्रेजेंटेशन कैसा है, तो एक छोटी सी गतिविधि कराते हुए बच्चों का स्वागत किया गया। बेटा क्या नाम है आपका? किस कक्षा में पढ़ती हैं? बेटा कोरोना के दौरान लगभग एक साल से स्कूल बंद रहे, आज जब आप लोग स्कूल आए हैं तो आपका कैसा स्वागत हुआ? फूल से, बिस्किट से, टॉफी से, गुब्बारा के सजावट से। अच्छा, और जब स्कूल बंद था कोरोना के दौरान तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी रही, कैसे आपने पढ़ाई की? व्हाट्सएप पे जैसे नहीं यहाँ पे काम देते थे स्कूल में और जैसे नहीं आता था तो पूछते थे। यानी सर लोगों ने आपसे सहयोग किया?